अगर फन से इल्म से आता हो रिज्क, तो मियां साहब फरमाते हैं बेवकूफा दे नौकर वेखे दानशमंद से आने, बेवकूफा दे नौकर वेखे दानशमंद से आने। अंगूठा छाप शख्स होता है और MBA जो है तालीम के हामिल उसके मुंशी बैठे हुए होते हैं, तो फिर अगर इल्म से कमाल आता होता तो जो है वो फन से दौलत मिलती होती, तो फिर इस अंगूठा छाप को कैसे मिलती? और ये जो इतना तालीम याफ्ता है, माहरे मुआशियात है, ये तो तनख्वाह पे काम कर रहा है और वो जो है वो दौलत का उसे हिसाब ही नहीं है कि कितनी है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ये मत समझो कि ये तुम्हारे फन का कमाल है, ये तुम्हारी जो है वो मेहनत का नतीजा है। अल्लाह फरमाता है अवलम यालमु, क्या उन्हें नहीं पता अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशा, जिसको चाहता है उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देता है, वह यकदिर और जिसके लिए चाहता है उसके लिए रिज़्क को तंग कर देता है। कई लोग कितनी मेहनत करते हैं नतीजा जीरो, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, वो मिट्टी को हाथ लगाएं और सोना हो जाए, और कई सोने को हाथ लगाएं तो मिट्टी हो जाए। तो फिर कोई ताकत कार फरमा है ना जो मिट्टी को सोना बना देती है और सोने को मिट्टी बना देती है? अल्लाह फरमाता उसको पहचानो वो कौन है, वो तुम्हारा रब है। मोमिन का तवक्कुल और मोमिन का भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। जब हम अल्लाह की ज़ात पे अपना मुकम्मल भरोसा, जिसे तवक्कुल कहते हैं, कायम कर लेंगे, तो मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल का जो हक है वो अदा कर दो, तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। जब घर से निकलते हैं तो उस वक्त वो खाली पेट होते हैं, और जब वापस आते हैं तो कभी भी कोई जानवर भूखा वापस नहीं आया, और सबसे अच्छा खाते भी ये हैं। हमारे इलाके में तो ज़्यादा बागात नहीं हैं, अमरूद के बागात हमारे इलाके में पाए जाते हैं, तो अमरूद के बाग में जो अगर कोई देहात का शख्स हो, या जिसका अमरूदों का बाग हो, या अमरूदों के बाग में उसका आना जाना रहा हो, उससे पूछिए कि सबसे अच्छा फल अमरूद के पेड़ पे अच्छा दाना कौन सा होता है। कोई आपको कहे कि यार अमरूद तोड़ के लाओ, मीठा हो और जो है वो पका हुआ हो और जायकेदार हो, तो वो जाओ तोड़ के लाओ। तो कोई मुझे अगर कहे तो मैं जब अमरूद तोड़ के लाऊंगा तो कभी फीका नहीं होगा, मैं अमरूद तोड़ के लाऊंगा तो कभी बद जायका नहीं होगा। आप मुझे पूछें कि आपके पास क्या फन है? मेरे पास फन ये है कि मैंने अमरूदों के बागों में जो है वो बचपन गुजारा है, और मुझे पता है कि अच्छा और पका फल कौन सा होता है। लेकिन मैं आपको निशानी बता देता हूँ, अब नई नस्ल उन्होंने तो नहीं देखा। आप बाग में जाएं और शाखों से लटके हुए अमरूद देखें, जिस अमरूद को तोते ने खा के छोड़ा हो उसको आप तोड़ लें, मीठा भी होगा, जायकेदार भी होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी से भी बेहतर होगा। सबसे अच्छा पूरे पौधे से जो सबसे अच्छा होगा वो उसको चूच मारता है, और फिर सारा खाता भी नहीं है, थोड़ा सा लिया, नखरे वाला आगे बढ़ गया, अल्लाह अकबर। तो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है उससे भी बेहतर वो खाता है। तो ये अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, हमें तो पता होता ना हमने दुकान पर जाना है, हमें पता होता है हमने फैक्ट्री काम पर जाना है, हमने पता होता है हम वो दिहाड़ी फलां जगह करने जाना है। उन्होंने कहीं उनका कोई ऐसा ठिया नहीं होता कि वहां जाना है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हूँ, खर्च ना पल्ले कोई रासुल माल भी नहीं होता कि ये लगाएंगे फिर इस पे इतने पैसे आएंगे, असल हमारे होंगे, इतना दफा होगा, ऐसा नहीं है। घर से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, और जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं। मेरे और आपके आका मौला ने कहा, मुझे पूरा यकीन है इस पे, और आपको भी पूरा यकीन होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा, कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पर जो तवक्कुल है वो हक अदा करो, फिर वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, तुम्हें परिंदों को देता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। मन कान लिल्ला कान अल्लाह लहू, फरमाया तुम उसके हो जाओ वो तुम्हारा हो जाएगा, और जब वो तुम्हारा हो जाएगा कोई कमी बाकी नहीं रहेगी, जो तुम्हारे मन में आएगा तुम्हें मिलेगा।